दर्शकों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांप को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राजतिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कणों, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। इसके लिए वे श्री कृष्ण के पुत्र सांव को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांप ने मूसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुरा कर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में होते इन अपशकुनों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए।
परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्रीकृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। ये कहकर श्रीकृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्रीकृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्रीकृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्रीकृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्रीकृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्रीकृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्रीकृष्ण पर वाण चला दिया। वाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्रीकृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्रीकृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्रीकृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्रीकृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्रीकृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्रीकृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005-2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रमाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र की गहराई में मिली ये नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक कथा की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।